1980s और 1990s के टाइम कश्मीर में हुए कश्मीरी हिंदुओं पर हुए नरसंहार एक ऐसी घटना है जो हमारे समाज के लिए एक काला धब्बा है जो हटाए नहीं छूट सकता। ये नरसंहार उस समय में हुए जब सोशल मीडिया प्राइवेट टीवी चैनल्स तक भी नहीं हुआ करते थे। अगर हमें खबरें जानने होती थी तो सिर्फ माध्यम थे न्यूज़पेपर और रेडियो। टीवी पर सिर्फ दूरदर्शन आता था। टीवी होना आपके घर पर ये ही बहुत बड़ी बात थी। कश्मीर के पूर्व सीएम रहे शेख अब्दुल्ला की डेथ सन 1982 में हुई, जिनके जाने के बाद से ही उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान संभाली, जिसके बाद से ही कश्मीर की हालत चरमरा गई थी। सन 1982 में पहली बार सीएम बने फारूक अब्दुल्ला की सरकार सिर्फ 2 साल ही चली थी कि सेंटर में मौजूद इंदिरा गांधी की सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर तख्तापलट करवा दिया और सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया शेख अब्दुल्ला के दामाद और फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ गुलाम मोहम्मद शाह को। सेंटर में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भाषणबाजी करना, कश्मीर में हिंसा फैलाना गुलाम मोहम्मद के टाइम पर बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि कई जगह तो हिंदू मंदिरों को तोड़ा भी जाता था, कश्मीरी पंडितों को मारा जाता था, उनकी प्रॉपर्टीज घरों को भी नष्ट करा जाता था। जिसके बाद से ही राजीव गांधी चाहते थे कि कश्मीर में एक ऐसी सरकार हो जो उनके अधीन चले। राजीव गांधी के घनिष्ठ मित्र रहे फारूक अब्दुल्ला, जैसे किसी जमाने में राजीव गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू मित्र थे फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के। जिसके बाद सन 1986 में राजीव गांधी के द्वारा तख्ता पलट करवाने के बाद फिर से फारूक अब्दुल्ला को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। कश्मीर में 2 बार तख्ता पलट के बाद बने सीएम और क्या क्या घटनाक्रम रहे, चाहे वो 1987 में हुए कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो, उसमें हुई धांधलेबाजी हो, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार को कश्मीर में बनाने की योजनाएं, दूसरी बार बने कश्मीर के गवर्नर जगमोहन, जिनके बाद फारूक अब्दुल्ला ने अपना रिजाइन दिया, या उस काली रात वाले दिन 19 जनवरी 1990 को क्या क्या घटना हुई जिसके बाद से मुख्य तौर पर कहा जाता है कि कश्मीरी हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ। कश्मीरी फाइल्स मूवी, जिसकी बात करना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या क्या कारण रहे कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के, बल्कि बहुत अच्छे से उजागर करती है कि क्या राजनीति के दौर थे उस समय के, जब देश के एक कोने में ये सब हो रहा था, सेंटर हो या कश्मीर की अपनी सरकार हो, क्यों ये सब नहीं रोका गया, क्यों उनको हिरासत में नहीं लिया गया, जिनके कारण हमारे इस सेकुलर देश को ये दिन देखना पड़ा। बॉलीवुड वैसे तो चाहे कोई भी घिसा पिटा सा टॉपिक हो, किसी ड्रग एडिक्ट या पॉर्न से जुड़ी स्टोरी हो, उन पर तो खूब फिल्में बनाते हैं, लेकिन जो असली टॉपिक है, जो जरूरी है एक मास ऑडियंस तक पहुंचना, उस पर मूवी बनाने में उसे 30 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। कश्मीरी फाइल्स सिर्फ मूवी नहीं, एक ऐसी सच्चाई उजागर करती है जो किसी भी समुदाय के साथ कभी भी हो सकती है। ऐसे घटनाक्रम को हमें सिर्फ जानना ही नहीं चाहिए, बल्कि परखना भी चाहिए कि क्या क्या परिस्थितियां रही जिनके कारण ये सब हुआ। वैसे तो बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, लेकिन जब बनती हैं तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे जरूर देखना चाहिए, ताकि हम भी जान सके कि क्या क्या हुआ था जब परिस्थितियां पलायन के अनुकूल थी या बना दी गई थी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।